गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ ये वाला येलो हेलो आई मेकअप लुक शेयर करूंगी। बहुत ही सुंदर सा लुक क्रिएट हुआ है ब्राउन कलर का। मैंने क्रीज में ब्राउन कलर अप्लाई किया है एंड आईलिड पे मैंने गोल्डन कलर अप्लाई किया है। बहुत ही सुंदर लग रहा था। नाइट टाइम में पार्टी फंक्शन हो तो आप इस टाइप का मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीरम मैंने अप्लाई किया है गुड वाइब्स का। देन मैंने आईब्रो के लिए लिया है ये इनसाइड का आईब्रो पेंसिल। पहले कोम करेंगे एंड देन आईब्रो को फील करेंगे सेम शेप में, जैसा आपके आईब्रो का शेप है वैसा ही आपको फील करना है। एंड लास्ट स्टेप फिर से स्पूली के साथ ब्लेंड कर देना। कंसीलर के लिए मैंने लॉरियल का कंसीलर लिया है एंड इसी से मैं शार्प कर रही हूँ आईब्रो को। एंड साथ ही साथ आईलिड पे भी मैं सेम कलर ही अप्लाई करूंगी। टैप टैप मोशन पे स्मूथली आपको ब्लेंड करना है। जितना कंसीलर ब्लेंड करोगे उतना ही आपका आई शेडो भी अच्छे से ब्लेंड होगा। अभी मैं ये वाला कलर स्टूडियो के पैलेट में से डार्क ब्राउन कलर ले रही हूँ फ्लैट फ्लॉपी ब्रश में एंड इसे मैं क्रीज पे अप्लाई कर रही हूँ। ये थोड़ा बिग फ्लॉपी ब्रश है एंड इसी से मैं पूरे क्रीज पे अप्लाई कर रही हूँ सबसे पहले कलर। एंड फिर आपको अच्छे से ब्लेंड कर देना है ड्रैगिंग मोशन पे। धीरे धीरे आपको स्मूथली ब्लेंड करना है एंड इसके बाद लेना है ये वाला ब्राउन कलर, उससे थोड़ा सा लाइट, एंड इससे हम डार्क ब्राउन कलर को और भी अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। यहाँ पे मैंने फ्लैट फ्लॉपी ब्रश यूज किया है लेकिन उससे छोटा। अभी इसके बाद आपको ये वाला और भी लाइट ब्राउन लेना है एंड इससे हम उस वाले ब्राउन कलर को अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। इसके बाद आपको करना है कट अपने क्रीज को। क्रीज को कट करने के लिए सबसे पहले कंसीलर मैं आईलिड पे अप्लाई कर रही हूँ लैश लाइन के क्लोज। एंड जब आप ऊपर की तरफ देखोगे तो आपका क्रीज खुद ब खुद क्रिएट हो जाएगा। बस आपको राउंड शेप में इस तरीके से फील कर देना है। उसके बाद मैंने मार्स का ये पैलेट लिया है एंड ये वाला येल्लो कलर मैंने अप्लाई किया है। उस वाले पैलेट में जो येल्लो कलर था वो थोड़ा डार्क था, इसलिए मैंने ये वाला लाइट येल्लो कलर अप्लाई किया है। फ्लैट ब्रश की हेल्प से अच्छे से अप्लाई करने के बाद आपको कलर स्टूडियो के पैलेट में से ये वाला डार्क ब्राउन कलर फिर से एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से लेना है एंड आउटर कॉर्नर में टैप टैप मोशन पे मैं अप्लाई कर रही हूँ। सामने की तरफ थोड़े थोड़े सामने की तरफ धीरे धीरे आएंगे। इनर कॉर्नर की तरफ भी सेम तरीके से ही टैप टैप मोशन पे अप्लाई करते हुए सामने की तरफ लाएंगे कलर को एंड साथ ही साथ ब्लेंड भी करना है आपको। उसके बाद ये वाला ब्राउन कलर लेंगे सेम पेंसिल ब्रश के हेल्प से एंड उस डार्क ब्राउन कलर को धीरे धीरे ब्लेंड करते हुए सामने की तरफ लाएंगे। धीरे धीरे आपको ब्लेंडिंग मोशन पे सामने की तरफ लाना है एंड इसके बाद हम सेम पैलेट में से अप्लाई करेंगे ये वाला शैम्पेन कलर अपने ब्रोबोन पे एंड इनर कॉर्नर पे। इसके बाद लाइनर के लिए मैंने NYB का लाइनर लिया है। हम विंग नहीं निकालेंगे, सिर्फ लैश लाइन पे हम अप्लाई करेंगे लाइनर। इसके बाद मैं ग्लिटर अप्लाई करना भूल गई थी तो मैं फिर से ग्लिटर में जाऊंगी। पहले ग्लू अप्लाई करेंगे अपने आईलिड पे एंड इसके बाद हम टैप टैप मोशन पे ग्लिटर को अप्लाई कर देंगे। देन मैं लैशेस अप्लाई कर रही हूँ। लैशेस अप्लाई करने का सबसे इजी तरीका है, पहले ग्लू को अप्लाई करने के बाद लैशेस पे थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, उसके बाद अप्लाई करो तो जल्दी चिपक जाएगा। ये है एलोवेरा जेल, एज ए प्राइमर मैं फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद मैं कंसीलर लूंगी एंड ये है लॉरियल का कंसीलर। ये मेरे स्किन टोन से मैचिंग वाला कंसीलर है। हम जैसे हाइलाइटर करते हैं फेस को, वैसे ही हाइलाइटेड पॉइंट पे मैं कंसीलर को अप्लाई कर रही हूँ एंड अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। यहाँ पे मैंने एंगल फाउंडेशन ब्रश का यूज किया है। इसके बाद मैं फाउंडेशन की तरफ जाऊंगी। ये है फिट मी का फाउंडेशन, शेड है इसमें मेरा 128। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा अप्लाई करेंगे क्योंकि फाउंडेशन ज्यादा अप्लाई करने की जरूरत है नहीं। अगर जरूरत पड़े तो हम बाद में फिर से अप्लाई कर सकते हैं। टैप टैप मोशन पे सेम ब्रश के साथ मैं अप्लाई कर दे रही हूँ, कंसीलर के साथ अच्छे से ब्लेंड कर दे रही हूँ। इसके बाद मैंने ये लाइट कंसीलर लिया है डार्लिंग इसाबेला का, हाईलाइट करने के लिए अपने अंडर आई को। सिर्फ अंडर आई पे ही अप्लाई कर रही हूँ कंसीलर। इसके बाद हम सेट करेंगे बायोटिक का फेस पाउडर के साथ ही सेट करूंगी मैं पूरे फेस को अच्छे से। ये एक छोटा सा फ्लफी ब्रश है, इससे मैं पूरे फेस को अच्छे से सेट कर लूंगी। अभी फेस को सेट करने के बाद मैं ये शुगर का फेस पैलेट ले रही हूँ। सबसे पहले ब्लश अप्लाई करूंगी एक फ्लफी ब्रश के साथ, छोटे से फ्लफी ब्रश के साथ अपने चीक्स पे, नोज पे एंड चिन पे थोड़ा सा अप्लाई करेंगे।
इसके बाद मैं लूंगी कॉन्टोर एक एंगल फ्लफी ब्रश में एंड इसको मैं ब्लश के साथ अच्छे से ब्लेंड करते हुए अप्लाई कर रही हूँ। जॉ लाइन पे अप्लाई करेंगे एंड फोरहेड पे अप्लाई कर देंगे। इसके बाद हाइलाइटर आपको चीक्स पे अप्लाई करना है, इस तरीके से ब्लेंड करते हुए हाइलाइटर को अप्लाई करना ब्रिज ऑफ द नोज पे, चिन पे, क्यूपिड्स बो पे एंड फोरहेड पे। नोज को हमने कॉन्टोर नहीं किया था तो अभी मैं फ्लैट फ्लॉपी ब्रश के साथ कॉन्टोर भी कर लूंगी। काजल के लिए मैंने ये के ब्यूटी का काजल अप्लाई किया है, थोड़ा सा मोटा करके अप्लाई करेंगे। पेंसिल ब्रश में ये डार्क ब्राउन कलर लेके ब्लेंड कर दे रही हूँ काजल को। अच्छे से ड्रैगिंग मोशन पे काजल को ब्लेंड कर लेना है। इसके बाद आपको सेम पैलेट में से ये वाला लाइट ब्राउन कलर लेके एक फ्लैट फ्लफी ब्रश के साथ डार्क ब्राउन कलर को धीरे धीरे हम ब्लेंड कर देंगे ड्रैगिंग मोशन पे। इसके बाद लिपस्टिक के लिए मैंने इनसाइड का लिपस्टिक लिया है, इसमें मेरा शेड है 01 ब्राउन कलर का है ये। एंड लिपस्टिक को अप्लाई करने के बाद मैं कंसीलर लूंगी, जी हाँ कंसीलर, एक कंसीलर ब्रश के साथ, मैं छोटे से फ्लफी ब्रश के साथ कंसीलर को मिडिल पे अप्लाई कर रही हूँ लिप्स के। एंड दिस इज माय फाइनल मेकअप लुक, बहुत ही सुंदर मेकअप लुक है, टीनेजर्स बिगिनर्स के लिए परफेक्ट आई मेकअप लुक होगा। आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो ये आई मेकअप लुक बहुत ही ज्यादा ईजी है, नाइट ग्लैम मेकअप लुक के लिए एक परफेक्ट मेकअप लुक कह सकते हो। सो मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।